न्यूज़ के खास प्रोग्राम टको की गल चित्तों का स्वागत है। इस वाला पुजे दे शहीद भगत सिंह पार्क के मैं तस्वीरें दसना चाह किया लोग कुछ दिखा करते हो कुछ आवा करते हैं और बड़े सारे लोग जो इतने सैर सपाटा कर निकले हैं लेकिन तुम एक और बड़ी शर्मनाक गल सुनागी तो तस्वीरें मैं दसना चाहूँगी। तुम जो एक वाशरूम शौचालय दिखा करते हो कि पिछे बिल्कुल जो कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व आते हैं और इंजैक्शन जोड़े ने नशे वाले जो इंजैक्शन तुम आखी सकते हो नशीले पदार्थ जो इंजैक्शन इतने लेंगे और कुछ नौजवान स्थानीय सोशल वर्कर भी इतने जोड़े ने पुजे देने और अज इन्हें भी देखा और बड़ी चिंता इन्हें भी व्यक्त की है। कुछ नौ जुड़ा करते हैं पूछने कि यह मामला और किस तरह के इंजैक्शन इतने पेदे होंगे कौन लोग जो इतने आइए करते हैं और ये क्या आखना चाहते हैं समाज सुनेहा देना चाहते हैं। मेरा नाम है अजय जरा बल्कि जरा सोसायटी है ना जी मुड़े जो तेज शरीर लगाते हैं इतना जो भी मुड़ा आता पिछे ज्यादा ये सामने देख लो बाथरूम के पिछे इतना सारे मुड़े जिन्हें भी है दो त्रै मुड़े आते टीका लेंदे टीका लाइए तो अपना मस्त हो गया निकली दे इंजैक्शन देख लो आप ठीक है ना मगर यह सोसाइटी जी आने वाली सोसाइटी जो बच्चे भी दिखते ना वो भी दिखते कि ये की करा रहे हैं। मैं कहा कि सोसाइटी हर बच्चा ठीक रोवे फिट रोवे सैर सूर करा सवेरा उठे शामी भी सैर करा सवेरा भी सैर करा और पढ़ाई भी अच्छी करा ताकि सारा कठुआ जरा ना बहुत ही उच्चे मुकाम तक पहुंचा। बिल्कुल रोकना चाहिए नहीं लोगों रोकने चाहिए हर म्हल्ले रोकने चाहिए जड़ा भी मुड़ा है वो सेंटर के ठोको उसने उनके माँ प्यो ही बोलो कि थोड़ा मुड़ा इं है कोई गल नहीं तो आपे भी दिख लो कि थोड़े घर के भांडे भी बिका रहे हर एक चीज़ बिका हाँ जी बहुत सारिया कई बंद इं बल्कि टीका लाइए तो आपू सुन तो दुए जो मुड़े होंगे वो नठी दे दूआ मरी इो चक्कर होंगे क्योंकि मैं इो चाहना कि जिन्हें भी म्हल्ले आना हर कोई म्हल्ले ना जरा टीका लादा मुड़ा उसी सीधा सेंटर के ताकि उनके माँ प्यो ही भी सुकून मिले उस बच्चे भी सुकून मिले जरा जहरीला जरा चिट्टा चिट्टा जो लाते हैं ये समाप्त हुआ सारे कठुए बिल्कुल ये अजय हो रहे इन्हें भी चिंता बड़ी व्यक्त की इन्हें भी आखिया कि कुछ जो शरारती तत्व उल्ले नौजवान जो नशे लिप्त हो इतना आइए इंजैक्शन लाते हैं ये जो गलत राह पर चली पेते हैं छड़नी चाहिए और सेंटर वाले पास रुख करना चाहिए ता कि जो नशा छुड़ाओ केंद्र खुले देना पुलिस ने भी खोले देना प्राइवेट भी इतने बड़े सारे खोले देना उनके हाल जाना चाहिए और जरा एक नवी जिंदगी जी जीने तैयार होना चाहिए और कुछ ना कुछ साढ़े कन्नै जो सोशल वर्कर स्थानीय पाल सिंह उन्होंने भी साढ़े कन्नै जुड़ा करते इन्हें पूछने कि कितना बड़ा जरा एक आने वाले दिन खतरा कठुए कि लभा करता है। जी सर न्यूज़ एक ने बड़ा बड़ा थोड़ा शुक्रिया कि तुम्हें जी चीज़ें कवर कर दो देखो बोर्ड लगे से नो टू ड्रग्स पर मैं शामी सैर करना ना केंद्र टाइम लगता सब तो ज़्यादा अगर देखा जाए ड्रग्स का इस्तेमाल होता है यही जगह उस कुछ कारण असं लोग भी हाँ अभी दिखी अनदिखा करी होने और कुछ साढ़े ऐसे सोसाइटी के ऐसे तत्व जो कने लोग नशे ग्रोह उनका काम होंगे कि अगे अपने बंदे तैयार किए अगे सेल की क्योंकि तुम देखा कि आए दिन पुलिस बड़ा नशा पकड़ती है नशा पकड़ा किया बट सारी टू सेहत और सीधी गल सुना मैं मगरमच्छ नहीं कुछ फड़े जा रहे जो मेन मगरमच्छ है वो फड़ना बड़ा जरूरी है ये जो निके मोटे चिंदी चोर बेचारे इन्हें कोई माड़ा मोटा ले लिया नशा करने अगर पिछले ले लिया उन्हें भी पुलिस फड़ी अंदर कर लेंदी है साड़ी SSP साहब अगर रिक्वेस्ट रहो कि जो मेन मगरमच्छ है ना उन्दे की नकेल पाई जाए ताकि सोसाइटी बचे बड़ा खतरा दिखा दे खतरा थोड़े सामने देखो घट्टो घट्ट तो 40-50 सानू सज़ा लभी गई लाल साहब की किन्ने बंदे लाइफ की रिस्क उपर चलाई है कि सिस्टम चला है उस तो बड़ी बड़ी गल वूमन पार्क है इतने लोग सैर करना आते हैं आराम कर आते हैं कोई भंग दिया कद कोई तो इंजेक्शन वगैरह लगा दा नो लाइटिंग मैं दो ढाई महीने आते ट्रांसफार्म सड़े दो महीने हुई है अलग तक ट्रांसफार्म लगे तिन्हेरे कोई नशेड़ी कोई कुछ भी हो सकता तो इन्हें बाद बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन मुड़ता बाद नारे लगने तो चंगा कि पहले उस चीज़ की संभाल लिया जाए नहीं तो जी मैं गल रखना चाहूँगी जी पुलिस ने हम रैलियां भी कटा दी एंटी ड्रग्स करा दी जिला प्रशासन भी कटा स्कूल के लोगों के बच्चे भी बाहर जाते हैं लेकिन साढ़े जिले कठुए की गल करिए समाज जोड़ा है ये नशा नहीं खत्म होता और कुतै ना कुतै हर साल जी बड़ी सारी मौत नौजवान ने होती है बिल्कुल जी हमारे निके भरा ने दसिया कि नशा ऐसा है कि जी कोई ना इंजैक्ट वगैरह किया अगर उसी टाइम नहीं चुक लिया गया तो ठीक है नहीं चुके तो बेचारा उसे मरी जाता कन्ने नठी जाते बाकी रही गल पुलिस की पुलिस अपने आप काम करा दी है खाली पुलिस रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी है वो यार सिटीजन ऑफ कठुआ रिस्पांसिबिलिटी है कि हर एक सोसाइटी का मैंबर अपना रोल अदा करे उत्थे नशा बिका अपने म्हल्ले कि रोक करनी कि रोकथाम करनी तो देखिए कि आने टाइम बंदे की करते जो तड़े तड़े बंदे उन्हें शह दे शह मिली जाती है वो खुले खलेआम नशा बेचते कोई चक्कर ही नहीं है तो निके निके मोटे चिंदी झोल खाते ये चीज़ बड़ी गलत है ना अभी लास्ट टाइम भी अपील की कि जो बड़े मगरमच्छ उन्होंने फड़े जाए बाकी जिन तक सोसाइटी का हर मैंबर अपना रोल नहीं प्ले करेगा ये नशा नहीं मुक सकता
उड़ता पंजाब की बड़ी फिल्म बनी है, उड़ता कठुआ के कई गुणों पर कम हुई था। देखो निकी पार्क है इतने इंजैक्शन फड़वा देर साहब बड़े नौजवान जो लत उनके परिवार की तो उन्हें किस नया रोग बड़ी पता है सेंटर भी सुने आई हैं। यह चीज़ है जी अभी डिस्कलोज करना बड़ा जरूरी है, अभी डिस्कलोज करो अपने पर सरकारी इंस्टीट्यूशन बने सरकारी अपने केंद्र बने उ उन्हें जमा करवाओ पुलिस जमा करवाओ अपने साथ अपने लैवल पर शुरुआत करो। नहीं शुरुआत करके तो आने जनरेशन सारी खाली लफजा रोनी जंग जनरेशन लभनी नहीं है। जिसका देखो मैं आखना कि शुक्र है पिछले लास्ट टाइम करोना आई है तो लोग थोड़े ना इस नशे को दूर रहे क्योंकि बाहर नहीं आई पाए। अगर वह दो साल कवर करते अज डेट कि मौत होनी है। यह एक बार ऐसा नशा है एक बार तुम इस्तेमाल करते बंदा करी है दूसरे बार ऑटोमैटिक जो मर्जी जुगाड़ करी लेना है। ये चक्कर आए आए दिन देखिए रोज धारी चोरी हो रही कहीं कोई लड़ाई हो कोई चोरी हो रही सारा कारण यह चिट्टा। इस कारण मेरे सारे रिक्वेस्ट हो अपने लैवल पर जितने जाते हो बच्चे सेंटर कराओ तुम कोई प्रॉब्लम आती है कठुआ कहीं मिलो ना अपने पुलिस वाले अपने सेंटर खोल लेने सेंटर अपने बच्चे जमा करवाओ जो आने पीढ़ी बचानी नहीं तो काम बड़ा खराब होने आने टाइम दिखो तीन जिंद चक्कर मर्डर भी होने ब्लाइंड मर्डर भी होने बाकी देखिए अगर पार्क ही हाल होगा तो आम जगह के हाल होना। और एक बड़ी रिक्वेस्ट सीएमओ साहब आगे जिनी भी मेडिकल की दुकाना न एक इंजैक्शन क्या दे उड़े आम बंदे बिना प्रिस्क्रिप्शन के इंजैक्शन क्या दे उड़े इसी और रोकथाम लाया जाए अगर उन्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं तो क्या इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा ध्यान दिता जाए। बिल्कुल नरेंद्रपाल सिंह हो रहे और स्थानीय नौजवान भी इन्हें भी चिंता व्यक्त की है कि अगर इस तरह के जियाँ पार्क के जो इंजैक्शन लाते हैं कुछ शरारती तत्व या जो नशे की लत नौजवान पे अगर इं करे तो कठुए का भविष्य जरा बड़ा खतरे च अंधकारमय हो जाना है। और इन्हें एस एस पी भी आख्या और कुद ना कुदा सीएमओ कठुआ अगर भी ना अपील की है कि मेडिकल की दुकाना ना जिते इंजैक्शन जड़े ना नशे वो बेचा करते हैं और उनके पर नकेल कसी है ताकि जी मार्केट ये चीज़ नौजवानें आसानी करने नहीं मिला नौजवान जो गलत राह पर पेजते हैं नशे की लत आदि हुई है ना वो भी कुद ना कुद नशा छड़ाओ केंद्र से जान और अपने आप जिंदगी सुधार लियान और कुद ना कुद नशे को दूर रोन ताकि सारा समाज जोड़ा है वो भी सुरक्षित रही सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 इस खास प्रोग्राम से एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है तो अस तुम्हें अखनूर से ले आए हैं। मैं तुम्हें दस्सना जो जोड़ियां टू पाएं वाला जो रोड है लोगों की डिमांड है कि उसे जल्द कोला जल्द डबल किए जा क्योंकि जो रोड है सिंगल है इस सब गल करने साढ़े कन्ने कुछ लोग ना सर कि देखते हो जी काफ़ी ट्रैफिक रही है जोड़ी टू पलाने वाले रोड पर क्योंकि लोगों का काफ़ी आना जाना रहा जम्मू तो सारे इस रोड पर गुजरते हैं कि देखते हो साढ़ा जोड़ा रोड है जोड़ी टू पलाने वाला साढ़े लोगों की काफ़ी देर की मांग है कि ये रोड जो डबल होना चाहिए हूँ पिछले जी रोड बने पर बनया सिंगल जी सिंगल जो हम गड्डिया आदि तो दिखा रहे हो कि इतने अपना मलाला के कोल एक खड्डे ने जी खड्डा है और जिन्हें टोटी को पुली है जल्द बरसात होती पानी उपरे जाता तो गड्डिया जी स्पीड पूरी स्पीड कने जा रही एक मतलब वन वे हो जो दुई गड्डिया आदि थले उतर दी एक्सीडेंट हो जाते हैं काफ़ी लोगों की दिक्कत है इस कि अस प्रशासन ने बड़े चले आखिर ये रोड डबल होना चाहिए क्योंकि रोड चलता भी बड़ा एक तो डिफेंस साढ़े आस बार्डर रोने लोगों फौजी गड्डिया आदि जन्दिया कोई सप्लाई आवा दी कोई किस आवा दी कानबाई चलती रही तो सिविल गड्डी जगह नहीं लगती जो कोई बीमार हुई है सारा कोई एम्बूलेंस गै जानी हो एम्बूलेंस की निकलने की जगह नहीं मिलती जल्द पेशेंट कोई अगर बीमार है उसी खड्डे झटके लगते बेचारा और क्योंकि साढ़े इन्नी सुविधा नहीं इतने कोई प्रेगनेंट लेडी है जो कोई किस है क्योंकि उसी सीधा ट्रीटमेंट डॉक्टर रैफर करता जाए अखनूर से जाए जम्मू तो सारी रोड की काफ़ी दिक्कत है। अस प्रशासन का यह आखना चाहते हैं कि इस रोड की डेवलप किया जा जोड़िया लाइन तक रोड है इस रोड काफी ग्रां जुड़े बाकी जोड़ी शुरू लगे मलाल खाओड़ पलायन पंच पलातन अलग जोगों तक ले इस रोड पर लोग हजारे तदाद लोगों का आना जाने का अप डाउन होंगे और लोगों काफ़ी परेशानियों का सामना देखना पा रहा है क्योंकि काफ़ी देर पिछले टुटे भी रोड आते वास्ते लोगों कई बार प्रोटेस्ट भी किए बड़ी देर जदोजहद और दौरान लोगों उम्मीद है कि हूँ जल्द बनोगे डबल ही बनो लेकिन जल्द बनाया गोरमेंट ने तो वो आखते भी नहीं जी जो पहले यदा कोई सर्वे हो रहा सिंगल हो रहा उन्हें सिंगल गै दोबारा तैयार किया लेकिन वो सिंगल तैयार होने के हुई है भी रोड के सेंटर के उत्तर साइडा चुकी हुई वो ना जल्द भी कोई गड्डी गड्डी आती है जो निकी कोई गड्डी उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है वो अपना बैलेंस खोलती है और काफ़ी तदाद इसी जे वजह एक्सीडेंट भी हो सारे लोग कई लंबे लूले हुई उस वजह तो दूसरा नंबर जल्द भी कोई थोड़े इधर काफ़ी केस जो होंगे इतना हॉस्पिटल की जी इन्नी खास व्यवस्था नहीं सारी होंगी है और जोड़ा भी केस कोई डिलीवरी केस हों उसी आज शिफ्ट करिए जाए लोग जो हॉस्पिटल करते हैं रैफर लेकिन कई बार यही एमरजेंसी बनी है
जल्द भी असं तू शिफ्ट करने जल्द ही रोज की वजह के ना जो पेशेंट अंदर दो भी हैं इस चुल में कई बार दो चार दस केस ऐसे उनकी तकलीफ भी गड्डी में एंबुलेंस के वही वजह के जो पेशेंट भी परेशान होता और कई बार किस भी हो सकता कई बार जो जच्चा बच्चा वो जान पर खतरा हो सकता है और उसी दिखते ही काफ़ी लोग जो सारे स्टूडेंट वगैरह भी इतों जाते हैं जम्मू पढ़ने वास्तव जो कॉलेज वगैरह जाते हैं और अगर रोड अच्छा होगा तो वो एक्सीडेंट का शिकार नहीं होने और अस गवर्नमेंट अगर इे डिमांड करके और जो डिमांड करके कि इस रोड की जड़ा वो ज्योड़ियाँ लिए पूरी तौर पर सर्वे करिए ज्योड़ियाँ इतों तक जरा डबल किया जा ताकि जो सारे लोग ने इधर के वो काफ़ी सहूलत उन्हें मिल सकन और बार्डर एरिया सारा बार्डर एरिए देखते ही आर्मी ना इस रोड बड़ी आवाज लगी रही है और रोज जी काफ़ी तादाद आर्मी जी अप डाउन करती है क्योंकि जो कि अभी आना जाना होंगे वो इस रोड पर जाते हैं और कई बार सा बार्डर एरिया हालात भी काफ़ी खराब हो कई बार फायरिंग होती है और उस दौरान जी आर्मी आवाज बड़ी ज़्यादा होती है और अगर इे रोड सिंगल रोड हो तो सिविलियन भी चलो आर्मी चलो तो नैचुरली गल है कि बड़ी परेशानी हो और रोड जोड़ा वे भी लोग अगर पिछले जागन और एक्सीडेंट जो बद हो और काफ़ी परेशानी हो और असं हम सुने भी है कि यह रोड की जरा पहला अभी आर्मी अंडर हाँ फिर आखिर भी उपरा रोड जो आर्मी अंडर कर दिता गया लेकिन हम फिर असें जल्द कोई पता किया और वो आखिर कि इस रोड फिर आर्मी अंडर जो लिता गया और अस इे प्रशासन अगर उम्मीद करने कि इस रोड की जरा वो फौरी तौर पर जो डबल लाइन किया जा ताकि साढ़े इधर ही लखनी तादाद जनता जी इतने बैठी है उन्हें जी वो सहूलत लभी सके और आने वाले टाइम जरा कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ और लोगों की अपने जो आओ जाए मजे मनाई जा सकन जियां कि इधर के लोगों का आखना है कि जो जोड़ियां टू पलाएं वाला रोड है वह सिंगल है उसी जल्द कोला डबल किए जा क्योंकि इतने ज़्यादा हादसे होते हैं सिंगल रोड के कारण तो दिखा दे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मैं सुनील सिंह पाऊ खेलों की बढ़ावा देने से सरकार कई सारे प्रयास जड़ा करा करती है और उदेज के लगातार कामयाबी भी लब्बा करती है 36 इंटरनेशनल गेम्स जड़े ने गुजरात के अलग अलग थावां पर होए और जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्लेयर जड़े ने अलग अलग स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए और उदेज कामयाबी बड़ी है उन्होंने हासिल की अच्छी गल उन बारे गलबात करे कि अज उन्हें की J&K ओलंपिक एसोसीएशन जी है सम्मानित करा करती है और कन्ने के एक प्रोत्साहन दया करती है कि तुम अगे आने वाले खेलों में अगले अगे आने वाले जिन्नी भी गेम है अच्छा तो अच्छा पार्टिसिपेट करो और कन्ने के लफन गुना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी इतने जरा योगदान का उन्होंने भी शुक्रिया अदा करा करती है किस तरह जम्मू कश्मीर की जी सरकार है वह स्पोर्ट्स की बढ़ावा दया करती है जम्मू कश्मीर की सरकार तेजी करने खेलने की बढ़ावा दवा करती है तो यह नतीजा है तेजी करने जो प्लेयर हैं वह भी लगातार कितना कित हर जगह जोड़े अपना दमखम का दसा करते हैं अज भी एक जरा एक ऑनरेडिंग मैडल विनर्स की एक जरा प्रोग्राम है और रखे था जम्मू के अमर सिंह क्लब है जिदे कि 36वें राष्ट्रीय गेम्स जोड़े अहमदाबाद में होए हैं जोड़े कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तो लेकर अक्टूबर के पहले चले है उदरीबन अलग अलग 12 प्लेयर ने जो मैडल ले और उन्हें के सम्मानित करने से आज कार्यक्रम जरा रखा गया जिद राजयोगिनी BK सुदर्शन दीदी जोड़े ने आपे इतने चीफ गेस्ट के तौर पर पुजी दी है मैडल जोड़े साझा करा करते हैं लगातार तो दस ओर कि जम्मू कश्मीर इंपलॉयज एसोसीएशन की तरफा यह जरा कार्यक्रम है रखा गया है और दस ओर कि जी 36वीं नैशनल गेम्स हुई ही करीबन 59 प्लेयर यानी 59 प्लेयर ने पार्ट लिया है और अज की अगर अस गल करते तो उदे कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इसी पूरा जड़ा कि सही तरीके करने खेलिए अज अपना जरा एक दमखम है वह दसिया और गेम जिदे वुशु आर्चरी एथलेटिक्स और कई सारी गेम है अपना दमखम दसिया कराटा और इस तरह की कई रेसिंग और कई सारी ऐसी गेम हुई जिदे प्लेयर ने अपना दमखम दसिया अज की डेट में उन्हें की सम्मानित भी किया जा करता है और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसीएशन जी है कोशिश करा करती है कि प्लेयर की प्रोत्साहित किया जाए और जम्मू कश्मीर सरकार भी तेजी करने जरा बढ़ावा उन्हें भी देने की कोशिश करा करती है जिद इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलपमेंट की गल करिए या फिर अगर अस गल करिए कि अलग अलग जगह पर अलग अलग थावान पर लगातार जड़े की इंफ्रास्ट्रक्चर बना करता है या फिर प्लेयर की सम्मानित करने से स्पोर्ट्स पॉलिसी जी बनी है उदेज के आज का जरा कार्यक्रम है एक योगदान देता है कि किया बच्चे की प्रमोट करने से स्पोर्ट्स प्लेयर की प्रमोट करने से इस तरह के कार्यक्रम जो वो रखे जा करते हैं जेडे नैशनल गेम जिन्होंने मैडल ले 12 मैडल आए हैं एक आया साढ़े को गोल्ड मैडल दो आए साढ़े को सिल्वर मैडल तो बाकी आए ब्रॉन्ज मैडल तो ये जी अपनी UP एडमिनिस्ट्रेशन है जे साडे माननीय मनोज सिन्हा जी
एल जी ने और यूटी हेडपुरा के पैटर्न एज के टीम गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम होया, ये स्पोर्ट्स कौंसल सैकटरी स्पोर्ट्स कौंसल ने भी बहुत योगदान दिता, बड़ा वधिया होया प्रोग्राम। और इस जी साड़ी ओलंपिक दी एसोसीएशन है ये जी कुलदीप सिंह जमाल जी ने बहुत ही मतलब इतने ग्राउंड वर्क करके पूरी टीमों भेजा। और सारे को वड्डी गल की है कि उत्थे बच्चियां नूं लगे ही नहीं कि असीं दूए स्टेट गए रहे, सारा परिवार साडा उत्थे सी और बड़ी मेहनत करके 12 मैडल आए हैं और सानूं उम्मीद है अगे भी आएंगे। और जिहड़ा इह ओलंपिक का रोल है और जिहड़ी साडियां अपनी सारियां प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट डिफरेंट एसोसीएशन है ये अंबरेला बॉडी है साडी अपने ओलंपिक और ओलंपिक दे इन कोआर्डिनेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन असीं चाहते हैं कि बेस्ट को बेस्ट है अगली बारी असीं 40-50 मैडल लईए। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो फंक्शन जो है हमारा, ये था रिलीज ऑफ सोवियत 36 नेशनल गेम्स जो कि गुजरात में हुई थी डिफरेंट सिटीज में, और सूरत में हुई थी, वडोदरा में हुई थी, गांधीनगर में हुई थी, और सभी स्टेट्स के बच्चे 12-13 हज़ार वहाँ पर लोग आए थे। वहाँ पर हमारा भी कॉन्टिनजेंट जहाँ पर गया था, जम्मू कश्मीर का कॉन्टिनजेंट गया था। और गवर्नर साहब के हम बड़े मशहूर हैं कि जब सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन हमारी जो हुई हम उनको डेडिकेट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को डेडिकेट करते हैं। उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की, पूरी फाइनेंशियली हेल्प की और हमारा हमारा जो टूर था बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे बच्चे जो थे वहाँ पर गए, उनका पूरा इंतजाम किया गया था। जहाँ से एडवांस पार्टी गई थी डॉक्टर निर्मोल सिंह चौधरी मिशन और 6 ऑफिशियल साथ में गए थे जो कि 3-4 दिन पहले वहाँ चले गए थे। उन्होंने वहाँ जाके पूरा इंतजाम किया, पूरा इंतजाम करके अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्रेडिशन का पूरा इंतजाम किया। और उस इंतजाम की वजह से हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई। हम मशहूर हैं ये कई डॉक्टर हमारे साथ गए थे, दुष्यंत शर्मा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो खुद नेशनल चैम्पियन है, 9 बार के चैम्पियन है और इंटरनेशनल रेसलर है, वो हमारे साथ थे। और इसके अभी राज केंद्र महत्व जी डिप्टी चैम्पियन मिशन सर चंद्र सिंह, साहिल राणा, साहिल शर्मा, ब्रजेश भाई, ये सभी लोग जो थे ताकि बच्चे जब आए उनको रिसीव करें। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम भगवान के दया से और गवर्नर साहब की जो फाइनेंशियल हेल्प थी उसमें हम बड़े सक्सेसफुल रहे। टीमें जब आई मैसेज में आई टीमें, हमें इंफॉर्मेशन दी, हमने उनको रिसीव किया स्टेशन पर, रिसीव करके उनको गाड़ियों में बिठाया और अपनी अपनी जगह उनको हमने पहुंचा दिया और उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आई। अभी एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएबल अबाउट द एफर्ट्स ऑफ जेएनके ओलंपिक एसोसिएशन। मैं जेएनके ओलंपिक एसोसिएशन को चल बता लूँ, दिस इज द पेरेंट बॉडी ऑफ ऑल एसोसिएशन, पूरी एसोसिएशन की पेरेंट जिन्होंने एफिलिएशन दी है। और ये इंडिया के साथ रिलेटेड है, इंटरनेशनल ओलंपिक के साथ एफिलिएटेड है। 1972 में ये बनी थी और 1972 ऑनवर्ड्स इन्होंने सभी जगह पार्टिसिपेट किया है। 26 एसोसिएशन जो थी उनको एफिलिएशन तो आई, तो फॉर्म की जो यहाँ पर नहीं थी, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स की लगातार बढ़ावा देता जा सकता है, बट जरूरत है कि लगातार प्लेयर्स भी जड़े अच्छा अच्छा परफॉर्म करें। और जी हाँ, अज के सम्मान प्रोग्राम रखे गया है, उसके लिए ये कोशिश की कि सारे मिली के मोटिवेट करें प्लेयर की और अगे आने वाली जनरेशन भी स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा आए और कहने के जरा जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स नाम है और भी रोशन करें। फिलहाल के लिए अब टकोदी गल तो दो इजाजत करनी है कि और प्रोग्राम देखने से बने रहो न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल करने। धन्यवाद। तो दिखा दे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम टकोदी गल। टकोदी गल ऐसी सड़क के बारे की दसना चाहते हैं कि जी सड़क कटरा शिवखोड़ी जी सड़क है ये उन्हें टूरिस्टें की लेकर जाती है, लेकिन इस सड़क की इस वेले के हालात है, के सूरत हालात है, तुम साफ तौर पर तस्वीरें जोड़े है तस्वीरें राय जी दिखी सकते हो। ये उपर बड़ी सारी राजनीति भी हुई है और बड़े सारे राजनेता जोड़े ने क्रैडिट कमाने के जोड़े चक्कर भी दिखने की असं लगते हैं, लेकिन PWD गल करचै तो PWD डिपार्टमेंट लगातार ठेकेदार की जरा कसने की कोशिश जरूर करता, जो ठेकेदार ये उपर ड्रेन का काम जो करा ला, ड्रेना जीडिया बनाई जरूर जा रही, लेकिन वह भी बिच मझदार जोड़ा है काम जो बंद करी दिता गया। और तुम्हें कि दसने की लोग जो नाराजगी हर दिन जी जताते रोते कि असं सोशल मीडिया के उपर जी मैसेज करिए भी जरूर दस दिन कि तुम इस चीज़ की जरा सरकार तक पहुँचाओ, जे आला अधिकारी उनके तक पहुँचाओ। हालांकि आला अधिकारी भी जड़े ने इस रोड के उपर जड़े ने रूटीन वाइज जड़े ने चला रहे होंगे, लेकिन उन्हें कि ना जाने क्यों जी है इस
खराब हालत जी है नहीं लभदी है। मेरे कन्ने गलबात करने वास्ते इत्थां दे लोकल गल मौजूद हैं, तो सपना नाथ सिंह भी दस्सियो कि इस वेले सड़क की कनेही हालत है और के कुछ चाहिए जरूरत है इस ताकि इस सड़क की जी हालात जी जल्द कोला जल्द सुधारी जाए। तुसें सारे कोला पहले तुंदा स्वागत, मैं बिंपल सिंह तुसें गल दसा कि यह रोड जिहड़ा है बड़ा ही खराब इस रोड की हालत है। तो कुछ दिन पहले भी कई सारे ऐसे बड़े नेता आए जिन्हें अपना क्रैडिट लेने गए कि दसने इतने कि असें रोड का काम लाए था। उन्हें रोड में मिट्टी शिट्टी पाई, मिट्टी शिट्टी पाने के बाद उन्हें फोटो शोटो खिचाए, वीडियो शीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर पाई, आ दसे कि असें रोड का काम जरूर है। लेकिन जमीनी स्तर और देखिए ना काम जो बिल्कुल शून्य है। तो वह मैं यही आखना चाहना कि क्रैडिट लेने को बजाय तुम आनी इतने रोड जमीनी स्तर और काम करो। लेकिन वो आंदे अपनी बड़ी बड़ी गड्डी। बिंबल जी तुसें एक चीज़ पूछना कि इतने के डीसी मैडम भी रोज़ गए हफ्ते के जरूर चार चक्कर लादियाँ होनी और भी बड़े अधिकारी जो इतने आते हैं, फिर भी जोड़ा इस इन्ना छोटा डिडिया नौ देवियाँ तू जो रियासी शिवखोड़ी तक जो पैच जो भरया नहीं जाता। लिखिए नौ देवी को लेकर अगे थले बारह दरी हुई है कट पौन जीरो मोड़ शिवखोड़ी थले अगे शिवखोड़ी धोड़ी रोड की बड़ी खस्ता हालत है। बंदा अगर मोटरसाइकिल लेकर जाना हो बंदे का अगर मूँह शूह अगर जाना तो बंदे और उस बंदे और एक एक किलो दो दो किलो मिट्टी आई जी। तो वह भी दिखे जो डीसी मैडम और भी गए अज भी गए होने तो वह अपन बड़िया बड़िया गड्डिया लेकर जाते सारे शीशे बंद शीशे गड्डिया हूँ जी। देखो मोटरसाइकिल वाला जा पाया एक पौनी पुजते हुए शिवखोड़ी रियासी पुजते हुए बंदे की हालत हो जाती और बंदे की बीमारी मिट्टी सब तो जिन्नी ज्यादा मिट्टी बंदे अंदर जाए उन्नी ज्यादा जल्दी बंदा बीमार हो सकता। तो अगर वह ये रोड की हालत ठीक नहीं की क्योंकि रोड ही सब तो आना जाने का साधन ही रोड होता। तो अगर तुम्हारा पहला रोड ही खराब हो गया तो जो बाहर लोग आगे तो उन्हें क्या दिखना इतने आनी है, उन्हें उ सुी मिट्टी ले जानी इतों आनी है। तो यही अस ही आखने कि जोड़ा रोड है तो जल्दी को जल्दी ठीक किया जाए। क्रैडिट लेने नहीं आना जमीनी स्तर और आनी काम करन जिन्ने भी लीडर न चाहे बाद आनी उन्होंने फोटो शोटो खिचाने आई जाने उन्हें अज असें रोड बनाया। लेकिन कदू का ऐसा सिलसिलेवास तरीका चला दा है, कदू की रोड खराब है तुहाडे नॉलेज विच की है कि वो दस थोड़ा दसो। रोड काफ़ी साल का ये रोड खराब है, एटलीस्ट दो साल को ज़्यादा ज़्यादा होगी इस रोड इये नहीं हालत है। पहले भी थोड़ा ठीक है लेकिन हूँ जी बड़ी खस्ता हालत हुई थी। तुम देखो जो काम लगे जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे ये थोड़ा जहाँ इन्हें सुधारने की जरूरत है और प्रशासन ही भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये रोड का जोड़ा ये मेन रोड है और इस रोड की हालत थोड़ी ठीक की जाए। हूँ थोड़े दिन पहले सर्वे बयान दिता कि डीडीसी चेयरमैन और ना उन्हें बयान दिता कि ये रोड का काम लगा, लेकिन वो खाली बयान मीडिया और बयान दिता जमीन इस तरह और कोई काम नहीं किया। तू देखो गड्डिया आ दी कि मिट्टी उड़दी रोड का हालत रोड बजरी पत्थर सब कुछ मिक्स है। तो हादसा भी होंगे लोग दो पहिए जो चालक होंगे डिगते रहते हैं वो डिगते बिल खतरा उन्हें रहा कि बंदा पही जाए और अगर ये देख लो अगर बंदा थले डिगी जा ये पत्थर है जी सीधा हड्डी रुकता तो बंदे की जी हालत के होती वो भी तुम सोची लो। रब भरोसे ही रब भरोसे ही बंदा रब भरोसे। अगर तुम टू व्हीलर गड्डिया की हालत दिखी सकते कि बड़ी मैं इंटे गलबात भी करने की कोशिश करगा कि हालात कने कने कंडीशन है रोड की। रोड की बहुत बुरी हालत है। कोले से चले दे कुछ चले जा रहे कटरा मोड़ तो आए। अच्छा मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा फोन चूल्हे नाल ही डिग गया फोन मैं कोशिश कर रहा ढूंढने की। अच्छा फोन डिगी है ठंडे होने के कारण जेब से निकली है। हाँ जेब से निकली है जेब च रखे था वापस आ ली थोड़ी फोन नहीं लगे मैं। अच्छा खराब सड़के की मना दो। हाँ जी सारा कुछ सड़के का ही और के है पक्का है नहीं बिल्कुल। देखो ना खड्डे किन्ने बहुत बुरी हालत है रोड की। खराब सड़क होने के कारण जो डिगी है खड्डे काफी ज्यादा खड्डे ने इस रोड के उपर और जो जो बाइक चला रहा है चालक वह फोन जो जेब बिचा डिगी है तो फोन ढूंढने की कोशिश करा। कुल मिलाइए इस रोड के उपर चलने के कारण हर कुसै राहगीरी की जी बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और जिस वे अस इतने रिपोर्ट करा दे होने एले भी करा दे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो एप्रीशिएट करा दे कि तुम इस सड़क की हालात के बारे में जी उच्च अधिकारियों की दसो सरकार तक ये मसला पहुँचाओ ताकि इस रोड के उपर जी धूल मिट्टी का लोग शिकार हो जड़े ने निजात पाई सकन। न्यूज़ 18 नैटवर्क आस्ते कर